जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर मचे सियासी बवाल के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार गलती से ऐसा बोल गए होंगे और फिर माफी भी मांग लिए हैं तो फिर बीजेपी को सदन चलने देना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया था, इस दौरान वो कुछ गलती से बोल गए थे, जब उनको पछतावा हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली। ऐसे में अब बीजेपी को सदन चलने देना चाहिए, लेकिन भाजपा विपक्ष में है, उनके पास काम ही क्या है। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा के दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने प्रजनन को महिलाओं की जागरूकता को लेकर बयान दिया था, जिस पर जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले नीतीश कुमार ने सदन के बाहर और अंदर अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली और कहा कि उनकी गलती से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो अपनी बात को वापस लेते हैं। ये बात नीतीश ने दो बार दोहराई सदन के अंदर और बाहर, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है, नीतीश के बयान को बिहार का अपमान करार दे रही है।